अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक इंतहाई ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी तस्वीर या किसी की भी तस्वीर का पेंसिल स्केच कैसे बना सकते हैं, वो भी सिर्फ एक मिनट में, एक क्लिक करने से। दोस्तों, आपने करना क्या है, इस ऐप को आपने डाउनलोड कर लेना है। इस ऐप का लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूँ। दोस्तों, आपने इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों, जब आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का ये स्केच बना हुआ नज़र आ जाएगा। तो दोस्तों, आपने करना क्या है, इसको ओपन होने देना। जब ये ओपन हो जाएगा तो अगर आप पहले से सेव जो है पिक्चर उसमें उसका स्केच बनाना चाहते हैं, तो आपने गैलरी के बटन के ऊपर क्लिक करना है। और गैलरी के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके साथ आपका गैलरी ओपन हो जाएगी। इसमें से जौन सी पिक्चर का भी आप स्केच तैयार करना चाहते हैं आप उसका कर लेंगे। तो दोस्तों, अगर आप ये मैं पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ, अगर आप न्यू पिक्चर बनाना चाहते तो आप कैमरा ओपन कर लीजिएगा, वहाँ से आप इसकी पिक्चर की स्केच तैयार कर सकते हैं। आपने पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों, आपने क्या करना है, आपके सामने नीचे स्केच बने हुए नज़र आ रहे होंगे या एक लंबी लिस्ट होगी, आप उसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप कोई भी सिलेक्ट स्केच सिलेक्ट करेंगे तो उसी वक्त ही एक सेकंड में दोस्तों आपके सामने पिक्चर का स्केच बना हुआ आपके सामने आ जाएगा। इसमें डिफरेंट किस्म की आपके सामने ऑप्शंस होंगी, आप जिस तरह का मर्जी स्केच जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें दोस्तों, इसमें आपको सेटिंग का भी होगा, आप रेजोल्यूशन जितनी कम जितनी ज़्यादा करना चाहते हैं उतनी इसकी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस पर आप बैक आए, मैं आपको अगेन बता देता हूँ आपने कैसे करना है। ऐड चलेंगी तो इसको आपने क्लोज कर देना है। आपके पास कैमरा की ऑप्शन भी है, आप कैमरा में ओपन जाके आप नई पिक्चर अपनी ले सकते हैं। अगर कैमरा ओपन करते हैं, कैमरा ओपन करने के बाद दोस्तों आपके पास कैम ओपन हो जाएगा, आप अपनी पिक्चर ले सकते हैं। अपनी पिक्चर लेने के बाद दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, मैं अपनी पिक्चर एक लेता हूँ, ये देखें दोस्तों, मैंने अपनी एक पिक्चर ले ली है। पिक्चर लेने के बाद दोस्तों, आपने इसको क्या करना है, इसको एडजस्टमेंट कर लेना है पिक्चर को जितना आप करना चाहते हैं। एडजस्ट करने मेंट करने के बाद आपने ऊपर टिक का बटन बना हुआ है, आपने इस बटन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखें आप दोस्तों, आपके पास नीचे ऑप्शंस बनी हुई नज़र आ रही हैं। तो ये देखें दोस्तों, मैंने अपनी पिक्चर को जितना आप इसमें करना चाहते हैं, इसको आपका स्केच बन के आ जाएगा पिक्चर का। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है दोस्तों मौजूद, आप इसमें से कोई भी ऑप्शन जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ये देखें दोस्तों, आपके सामने पिक्चर है। अगर आप पिक्चर को सेव करवाना चाहते हैं स्केच कम्प्लीट करने के बाद, तो दोस्तों ये सबसे ऊपर राइट कॉर्नर में डाउनलोड का बटन बना हुआ है, आपने इस बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो आपके सामने डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे, आप इसको नॉर्मल डाउनलोड करना चाहते हैं, एचडी वी फुल एचडी, जो सी एक आप ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों, आपने क्या करना है, सबसे नीचे फिर डाउनलोड का बटन बना हुआ है, आपने इस बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपकी जो स्केच है वो तैयार हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है एंजॉय यू डिड, आपने यस पे क्लिक कर दें या नो, जैसे भी है वो आपकी मर्ज़ी, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो